फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एन ई पी तैफ। इसके पोएट हैं वाल्टर डेला मारे। वाल्टर डेला मारे का जन्म 1873 में हुआ और इनकी मृत्यु 1956 में हुई। इनका जन्म इंग्लैंड के कार्ल्टन, केंट के कार्ल्टन जगह पे हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। जब ये 4 साल के थे तब इनके पिताजी गुजर गए। ही हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। फिर ये अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो गए। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। इन्हें जाना जाता है सेंसिटिव विचारधारा के लिए। ये वर्ल्ड के बच्चों के लिए, वर्ल्ड के साथ ये सुपर नेचुरल थे। सुपर नेचुरल कहने का सेंस है प्रकृति से जुड़े हुए, नेचर से रिलेटेड जुड़े हुए थे। हिज सॉन्ग्स, इनकी जो ये रचना है दो सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाए, ये दोनों इनकी बुक है। डिपिक्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, जिसमें इन्होंने विश्व के सपनों के बारे में बताया है। बट इवन इन दिस सॉन्ग, इन इस गाने में यानी कि इस कविता में, इज ए नोट ऑफ मिलंकोली द पोएट मेक अस अवेयर। कवि क्या चेक कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ में हम लोग किस तरह से इनह्यूमन हो गए हैं, अपनी मानवता खो बैठे हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय इवनिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। यह हमें पुराने थीम्स में भी फ्रेश महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ जो है द्वितीय जो है, इन्हें ऑर्डर क्या चीज़ से नवाजी थी, ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में। यह छोटी सी कविता एन ई पी तैफ जो वाल्टर डेला मारे के द्वारा लिखी गई है, इसमें इन्होंने प्यार के बारे में बताया है। हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट ऑफ स्टेफ एंड हार्ट वाज सी। यहाँ एक सुंदर महिला है जो मरी हुई है कब्र के नीचे, उसके बारे में बता रहे हैं, जो बहुत ही चंचल थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि यह सबसे सुंदर महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो किसी वेस्ट कंट्री के पूरे महिलाओं में सबसे सुंदर थी। बट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस, लेकिन उसकी भी सुंदरता क्या है, ख़त्म हो गई, गुजर गई। हाउ एवर रेयर इट बी, यह कैसे हो सकता है, इन्हें यकीन नहीं हो रहा है। वेन आई क्रम्बल्ड, अगर मैं मर जाऊँगा, जब मैं मर जाऊँगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन याद रखेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस लेडीज़ को जो कि वेस्ट कंट्री की है। आइए अब वर्ड मीनिंग पे एक नज़र रख लीजिए, और इस क्योंकि यह छोटी कविता थी इसलिए इसका नोट्स भी हम इसी में प्रोवाइड कर दिए इसी वीडियो में। द पोएम एन ई पी तैफ हैज़ रिटन बाय वाल्टर डेला मारे, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इट इज़ बेस्ड ऑन द लव। यह कविता जो है प्यार के ऊपर बेस्ड है। इन दिस पोएम पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट ब्यूटीफुल लेडी, इस कविता में कवि जो है वो सुंदर महिला के बारे में चर्चा किए हैं। वो उसके कब्र पे बैठ के उसकी सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो महिला वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन मरने के बाद उसकी भी सुंदरता क्या हुई, ख़त्म हो गई। द पोएट लव हर, पोएट जो है उस महिला को बहुत प्यार करते थे। ही यूज़ टू, आदि हो गए थे उसकी कब्र पे जाके बैठने के। द पोएट्स वांट टू से इफ़ ए पर्सन लव समवन, कभी कहना चाहता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, ही विल नेवर लिव हर एलोन, हम उससे कभी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। बिकॉज ही इज जस्ट फेसिंग द प्रॉब्लम, रियली इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑफ लव, वी कैन नॉट लिव विदाउट लव। Thank you. Best of luck.